तेजी से बदलते परिवेश और सौंदर्यकरण के होड़ में कभी कभी कुछ लड़कियों को लगता है कि हम सुंदर नहीं हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा आत्मग्लानी हो जाती है खुद पे, जबकि सुंदर चेहरा खूबसूरती का पैमाना नहीं है ऐसा मुझे लगता है। और इसी तरह से मैं कुछ अपने विचार खूबसूरती से लेके, खूबसूरत चेहरे का मतलब क्या होता है, खूबसूरती का मतलब क्या होता है, मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहूँगी। अगर आप लोग मेरे विचार से इत्तेफाक रखेंगे तो आप करके देख लेना, शायद कुछ फ़ायदा हो जाए, किसी एक को भी हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नंदनी जो में, मैं हूँ नंदनी। अब जिस हिसाब से आजकल दौर बदल रहा है, एक के बाद एक हर किसी को सुंदर दिखना है, क्या आपको लगता है एक सुंदर चेहरा ही सिर्फ खूबसूरती का पैमाना हो सकता है? हर इंसान पेट से सुंदर होकर नहीं आता, सुंदर सोच का, सुंदर खूबसूरती का मतलब, सुंदरता का मतलब सुंदर चेहरा नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पे। मुझे तो हर वो इंसान जिसकी सोच अच्छी लगता होती है वो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और यही मैं आप लोग उन लड़कियों को बोलना चाहूँगी जो लड़कियाँ ये सोच के आत्मग्लानी से हमेशा जूझते रहती कि यार मैं तो ये हूँ देख रही, मैं तो ऐसे, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं करती, वो चाहे कोई भी वर्ग की लड़की हो, वो ज़्यादातर लड़के एकदम से जो बहुत ज़्यादा जिनके आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, तो उनको भी होता है यार हमारे पास तो पैसे नहीं, हम अपने आप को ठीक भी नहीं कर सकते। इस तरह से पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं, पैसा खर्च करके खूबसूरत बनने का कोई मतलब नहीं है। और वो होता भी कहते पैसा भी जाता है और जो है वो कुछ देर का ही होता है। इसलिए आप खूबसूरत बनाने के लिए, अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए तरीके बदलो। सबसे पहले तो लड़की को ये सोचना चाहिए ज़िंदगी में मैंने कभी गलत नहीं करना है और न मैंने कभी बर्दाश्त करना, गलत बर्दाश्त करना है। लड़की बहुत ही प्यारी सोच है भगवान ने जो बनाई है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको, नंबर एक तो आपको अपनी सोच को, आप आत्मग्लान अंदर नहीं रखनी, अपनी सोच को बहुत खूबसूरत बनाना, सही और गलत की आपको समझ होनी चाहिए, अपनी सोच को खूबसूरत बनाओ। सोच आपको जीते जी तो खूबसूरत बनाती है, खूबसूरत सोच आपको, खूबसूरत और सुंदर जो सोच है वो आपको मरने के बाद भी जिंदा रखती है। और जबकि खूबसूरत चेहरा कुछ ही सालों का मोहताज होता है, वो ज़्यादा नहीं रहता। ये चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखो, इंसान की सोच खूबसूरत होना चाहिए, इंसान दिमाग से खूबसूरत होना चाहिए, उसका दिल साफ होना चाहिए, इससे ज़्यादा खूबसूरती पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं मिलेगी अगर सोचोगे तो। नंबर दूसरा, अपने आत्मविश्वास को किसी भी कीमत पे कम मत होने दो। जो आपको जीवन में हर मुश्किल काम में हर कदम पे एक मजबूती देगा, हर मुश्किल काम को करने के लिए, चाहे कोई भी मुश्किल काम हो, आपके अंदर अगर आत्मविश्वास होगा तो उसको मत डगमगाने दो, उसको कमज़ोर मत पड़ने दो। वक्त और माहौल कैसा मिलता है अपने आप को उसके अनुसार ढालना सीख। आत्मकलाइन जैसी जो चीज़ होती है ना, हर इंसान के अंदर कुछ खूबी होती है, कोई तो उनकी प्यार वो तो इतना सुंदर है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी, फिर अगर तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ आएगी, इस तरह की आत्मकलाइन कभी अपने आसपास में भी मत भटकने दो, इस चीज़ को भूल जाओ। हर इंसान इस खास से मठाल की दुनिया में नहीं आता, जब तक ये चीज़ तुम्हारे सामने रहेगी तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। इस आत्मग्लानी को अपने आसपास भी मत भटकने दो। और नंबर पाँच जो है, सकारात्मक सोचो, सकारात्मक सोचो, सकारात्मक सोच ये आपको ज़िंदगी में कभी नहीं हारने देगी, चाहे आपको ज़िंदगी में कोई मंजिल पानी हो या ज़िंदगी के किसी भी मुश्किल हालात से लड़ना। सकारात्मक सोच जो है आपको और खूबसूरत बना देगी, आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देगी और आपके जीने के तरीके को बदल देगी, आपके जीने
अब जिंदगी को और ज्यादा उत्साह के साथ जीओगी। अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी, बहुत जरूरी है सकारात्मक सोचना। कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई भी काम हो जाए, और ये कभी नहीं सोचना है। अगर जिंदगी में कुछ ठाना है कि मुझे ये करना है, ये बिना सोचे करो कि लोग क्या कहेंगे। जो करना है उसको कर डालो बिना सोचे कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए ये है मेरी सोच, ये है परिभाषा मेरी, जो सुंदरता की है, खूबसूरती की, जो लोग कहते हैं। मेरे हिसाब से सुंदर और खूबसूरत ऐसे ही होता है। और बाकी आपको क्या लगता है, आपको किस तरफ भागना है, क्या आपको अपने लिए अपनाना है, ये आपको सोचना है। इंसान खूबसूरत मन से और दिल से होना चाहिए, और यही चीज़ हमेशा रहती है मरने के बाद की। खूबसूरत चेहरे की उम्र बहुत कम होती है, हर बार होती है। मैं कई लड़कियों को देखती हूँ, ज़्यादातर लड़कियों को ही, क्योंकि उम्र ही ऐसी होती है। लेकिन इससे तो बजाय उस तरफ ध्यान देने से अपनी अपनी ज़िंदगी में वो करने की सोचो जो लोग तुम्हें देख के कहें हमें ऐसा बनना है, वो करके दिखाओ। और कभी ऐसा होता भी है ज़िंदगी में कि हर लड़के किसी बहुत बड़ी मंजिल पे ही पहुँचे। तुम जहाँ पे भी हो, जिस भी स्तर पे, आपको छोटी नौकरी कर रहे हो, बड़ी नौकरी हो, कि बड़े मकान पे रहो, लेकिन हमेशा सोच को खूबसूरत रखो, अपनी सोच को सुंदर बनाओ। यही आपको लोगों के बीच आपको जिंदा रखेगी, लोग इसी सोच को आपके याद रखेंगे। नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर देना। नमस्कार।